ये देखें मट्टी। और यार अगर अभी भी आपने मैं सब्सक्राइब नहीं करना ना तो मज़ा नहीं आएगा यार। ये व्लॉगिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक मट्टी का दरिया है और डूब कर जाना है, समझ रहे हो? नहीं समझे? छोड़ो यार, तुम ही समझो। वो कहते हैं कि तुम 31 दिसंबर को साल बदलता देखोगे। मैंने साल भर लोगों को बदलते देखा है। देखो यार, इतनी खूबसूरत और इतनी मीनिंगफुल पोइट्री के साथ आज का ब्लॉग शुरू किया है, तो ये यार ये जो लोग हैं ना, ये मुझे ब्लॉग नहीं करने देंगे। पिछले ब्लॉग में भी पीछे से यही भाई आ रहे थे, पहचाना होगा दरवाज़ा खोल के। खैर एनीवेज, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली आज का व्लॉग इस बारे में है कि मैं जा रहा था हेडमाला में, कोई ज़रूरी काम था, किसी बंदे को मिलना था, उधर से सामान उठाना था। मेरे साथ मिस्टर साथ भी जा रहे हैं, तो वो भी तैयार होकर बाहर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा व्लॉग ही करना है, तो चलो आप लोगों को भी साथ लेके चले, तो चलें चलते हैं। तो जी मैं और शाम भाई पेट्रोल डालने आए थे राज। देख यार, ये जो बंदा है ना, ये बंदा मेरा अच्छा असिस्टेंट बनेगा, क्योंकि मेरे के बगैर व्लॉग के लिए शॉट ले रहा है यार। अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो सामा सैम एंड साथ राजू को फॉलो करें इंस्टा। यार एक पॉजिटिव चीज़ है जो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम वैसे आउटफिट में मैंने देखी है, उन्होंने स्पेशल उतरवाया है, जो प्रॉपर तरीका है ना पेट्रोल डलवाने का, भाई इस तरह पेट्रोल डलवाया जा रहा है। ये नहीं कि मैं ब्लॉग में अपने आप को पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, ये मुझे इन्होंने बोला, और इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं। यार मैं बेसिकली माइक लगाने लगा था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहा अगर आज के ब्लॉग में आवाज़ अच्छी ना हो तो अभी आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दोगे। पेट्रोल डलवा लिया मैंने, तो अब हम अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। यार मैं अभी इस टाइम ना गोदपुर में खड़ा हूँ, और अगर आप सियालकोट से और गोदपुर रोड से आपका आना जाना है ना, तो आपके पास अगर ये ग्लासेस नहीं है ना, तो आप अपनी आंखें जाया कर रहे हो। जिनको पता है उनको पता है। चल यार बह जल्दी यार, व्लॉग ही करते रहना यार। मैं यार अभी गोदपुर को बातें कर रहा था, ये तो हेडमल रोड भी सारा इन्होंने तोड़ा हुआ है। ओहो, अब ये ब्लू जैकेट पहनी है ना, तो इसका कलर भी ब्राउन होने वाला है। जब बाइक रोकते हैं आगे जाकर, तो फिर आपको दिखाते हैं कि जी इस रोड से आते आते क्या हाल हुआ हमारा। मैं कहा चलो पहले आपको अपनी हालत दिखा दूं। यार जरा दिखाओ, जरा जैकेट दिखाओ मेरी, ये दिखाओ, ये देखो, अब ये देखो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उसामा भाई जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, शुक्र है अल्लाह का। ये मैं थाने के सामने खड़ा हूँ, थाना ही है ना ये? तो नेहरू के सेंटर में। हाँ जी बिल्कुल, पुल क्रॉस करके। किसी को पूछो गोंदर पेट्रोलियम के साथ जा रहा है। मैंने गोंदर पेट्रोलियम, गोंदर पेट्रोलियम, चले मैं पूछता हूँ किसी से। गोंदर पेट्रोल पंप है, इसके पास आ जाओ, उससे थोड़ा सा 50 मीटर आगे आओगे ना जी, जी लेफ्ट साइड में एक रास्ता निकलता है, उधर ही मैं खड़ा हूँ सामने आप। चले मैं पेट्रोल पंप के पास आके आपको कॉल करता हूँ। ओके जी, ओके। तो बेसिकली जिधर हमें जिस बंदे को मिलना था उस जगह पे आ चुके हैं, राइट ऑन द स्पॉट वो हमें मिलने आ रहे हैं यहाँ पे। तो अपनी हालत देख शर्म ही आ रही है कि यार इस हालत में मिलेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि उनका घर किस जगह पे है, आते आते किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चलो उनको मिल के फ्री होने के बाद मिलते हैं आपको। तब तक आप मेरी ज़रा हालत एक बार फिर से देख लीजिए, साथ ऊपर से नीचे तक दिखाना ज़रा। ये देखो शूज़ के हाल, जीन्स देखो। चलो हायर, मिलते हैं आपको। अगर आपको ये धुंध लग रही हो तो भाई ये धुंध बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये देखें बाइक की हालत, ये देखो ठीक है, ये देखें। और अब ये देखें हमारी हालत,
ये देखें मट्टी। और यार अगर अभी भी आपने मैं सब्सक्राइब नहीं करना ना तो मज़ा नहीं आएगा यार। आई नो मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ बट आई थिंक आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग का मज़ा आया होगा। व्लॉग ख़त्म करने से पहले ना मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा यार। मैं बेसिकली ये सोचता था कि मैं अगर डेली व्लॉगिंग करूँगा या रैंडम वीडियोज़ बनाऊँगा तो मतलब मेरी क्वालिटी लो होगी, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वी आर नॉट प्रोफेशनल्स येट। आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है, और मैंने अपने वन ऑफ़ द फेवरेट यूट्यूबर से ये सीखा था कि जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंसी से ही आती है। सो आई एम एक्चुअली फॉलोइंग हिम। सो आई थिंक आज के व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।